वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी में कांग्रेस को मजबूती देने में जुटी हुई हैं। कल वो अमेठी में भाई की सीट बचाओ मिशन पर थीं और आज वो रायबरेली में रहेंगी। हालांकि 29 मार्च के अयोध्या दौरे के दौरान वो रामलला के दर्शन करने भी जाएंगी या नहीं जाएंगी, इस पर उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया। अयोध्या से प्यार, राम से इनकार, दर्शन के बिना मिलेगा राम लला का आशीर्वाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर हैं। आज वो अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में रहेंगी। रायबरेली में प्रियंका पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इससे पहले कल प्रियंका अमेठी के दौरे पर थी, यहां उनसे अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर प्रियंका ने कहा कि उन्होंने अभी खुद अपना अयोध्या का पूरा कार्यक्रम नहीं देखा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कब मंदिर जाती हूं और कब नहीं जाती हूं, ये योगी जी को कैसे पता। सीएम योगी ने हाल ही में कहा था कि राहुल और प्रियंका को चुनाव के समय ही मंदिर की याद आती है। 2019 में चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रियंका ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। अगर मेरी पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगी। प्रियंका 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी। अपने यूपी के दौरे पर वो मोदी सरकार पर खूब निशाना साध रही हैं। प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार अमेठी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अमेठी में प्रियंका ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहाँ चुनावी पर्यटन पर आते हैं। स्मृति ईरानी ने कानपुर की एक रैली में प्रियंका गांधी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने जितने भी वादे किए हैं वो सब फेल हुए, जबकि मोदी योगी सरकार ने वादों को सच साबित किया। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में दस्तावेज देती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं, भाई भाई। भाई राम भक्त बनकर घूम रहे हैं। किसने सोचा था हमारे जवानों का खून बहेगा पुलवामा में और कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती देने पर है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि यूपी के रण में प्रियंका के उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वहीं गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी से अच्छी खबर नहीं आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा की मौजूदगी में कल जिस तरह से महिलाओं ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया वो कांग्रेस के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। अमेठी में प्रियंका का सच से सामना, गढ़ में प्रियंका के खिलाफ घेराबंदी। प्रियंका गांधी वाड्रा का कल अमेठी में जमकर विरोध हुआ। प्रियंका के खिलाफ महिलाओं ने सड़क पर मोर्चा संभाल लिया। हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, प्रियंका गांधी 5 साल में एक बार, अमेठी के सांसद राहुल गांधी के लिए तो नाराजगी और ज्यादा दिखाई दी। महिलाओं के हाथ में जो पोस्टर थे उनमें लिखा हुआ था, राहुल का अमेठी में आना मना है। हम लोग मिले नहीं दिन का अमीरन से उठने, गरीबन से उठना लिया है। और गरीब आदमी को अंदर नहीं जाने दिए, नेता लोग को अंदर में नहीं दिए। और काकाती 5 साल के बाद एक ही बार आते हैं का, और नहीं आ सकती है। प्रियंका गांधी ने कल अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत बैठक की। इसी दौरान बाहर उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोग नाराज थे कि 5 साल में उनकी सुनने के लिए कोई नहीं आया और अब आया है तो उनके साथ बातचीत नहीं की। हम देखने को आए, देखने के लिए आए, क्या मिली हमको। कहाँ से आई आप लोग? हम लोग आए हैं जगदीशपुर से। तो मिलने नहीं दिया गया? नहीं दिया, मिलने क्यों नहीं मिलने दिया। अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2014 में राहुल गांधी को चुनाव में स्मृति ईरानी से जो टक्कर मिली थी उसके बाद अब इस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा ना हो कि 2019 में कांग्रेस के गढ़ में किला ढह जाए। सतीश बरनावल, जी मीडिया, अमेठी। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी अपने एक बयान के बाद से विवादों में हैं। अयोध्या में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें फोन कर धमका रहे हैं। अयोध्या में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
उनके खिलाफ धारा 354 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल वसीम रिजवी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर विवादित बयान दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। ये सिर्फ प्रियंका जी का अपमान नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आधी आबादी का अपमान है, महिलाओं का अपमान है। वसीम रिजवी ने बयान दिया है, निश्चित तौर पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम हुए। और आइए आपको वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। इंदिरा गांधी का मुस्लिम परिवार जो भगवान राम के वजूद से इनकार करता है, और प्रियंका जी खूबसूरत हैं, उनको राजनीति में आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वो पहले आ जाती इस फील्ड में तो हम जो राम जन्मभूमि हमने पिक्चर बनाई है उसमें जफर खान की बहू का रोल हम उनको जरूर देते हैं। वसीम रिजवी के इस बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। वसीम रिजवी को फोन पर गालियां दी जा रही। कांग्रेस के एक स्थानीय नेता ने वसीम रिजवी के साथ फोन पर बदतमीजी की और उसे वायरल कर दिया। कांग्रेस वसीम रिजवी से माफी की मांग कर रही है।